नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़। पोइट्री सागा में मैं शिवानी गोस्वामी लेकर आई हूँ एक आपके लिए छोटी सी पोएम। आज अश्क मेरे पूछ रहे, आज अश्क मेरे पूछ रहे, फिर भी मैं खामोश हूँ। शायद बन गई मैं अजनबी, शायद बन गई मैं अजनबी, अश्क ही मेरे जवाब है। बचपन से यही पढ़ा और यही सीखते आए हैं, बचपन से यही पढ़ा और यही सीखते आए हैं, अहिंसा परमो धर्मा वसुधैव कुटुंबकम। मेरे अश्रुवश ये कहना चाहेंगे, मेरे अश्रुवश ये कहना चाहेंगे, उस भीड़ की सजा से कब हमें बचाएंगे, उस भीड़ की सजा से कब हमें बचाएंगे। उस भीड़ में है खड़े, उस भीड़ में है खड़े, फिर भी इत्मीनान है। अपनी आँखों से उस मासूम की हत्या देख रहे, अपनी आँखों से उस मासूम की हत्या देख रहे। कुछ सवाल करने पर उनका यह जवाब था, कुछ सवाल करने पर उनका यह जवाब था, साहेब मैं नहीं, साहेब मैं नहीं, हत्या के बाद ही मैं यहाँ आया था, हत्या के बाद ही मैं यहाँ आया था। अपनी बात से ऐसे मुकर जाएंगे, अपनी बात से ऐसे मुकर जाएंगे, बिना अफसोस किए अपने घर चले जाएंगे, बिना अफसोस किए अपने घर चले जाएंगे। मेरा गुनाह इतना सा, मेरा गुनाह इतना सा, मैं भीड़ में चुप बैठा हुआ, इफ्तियार का सामान लिए अपने घर जा रहा, इफ्तियार का सामान लिए अपने घर जा रहा। अचानक उस भीड़ की पड़ी मुझ पर नज़र, अचानक उस भीड़ की पड़ी मुझ पर नज़र, बीफ के नाम पर कर दिया मेरा कत्ल, बीफ के नाम पर कर दिया मेरा कत्ल, बीफ के नाम पर कर दिया मेरा कत्ल। मेरी मौत का सब तमाशा देख रहे, मेरी मौत का सब तमाशा देख रहे, मदद करने की वजह सभी उनके साथ थे खड़े, मदद करने की वजह सभी उनके साथ थे खड़े। खून की एक एक बूंद मेरी बस ये सवाल कर रही, खून की एक एक बूंद मेरी बस ये सवाल कर रही, गुनाह क्या था मेरा जो मुझे मौत दे दी गई, गुनाह क्या था मेरा जो मुझे मौत दे दी गई। धर्म के नाम पर क्यों ऐसा कर रहे, धर्म के नाम पर क्यों ऐसा कर रहे, तुम्हारा कोई धर्म नहीं, तुम्हारा कोई धर्म नहीं, इस धर्म के नाम पर क्यों इतना जुल्म कर रहे। इस कविता का शीर्षक था मॉब लिंचिंग। अगली बार फिर प्रस्तुत होंगे अपनी एक अच्छी कविता के साथ। धन्यवाद।